चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और आपका बायोलॉजी का तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। पिछले सप्ताह में हमने एनसीईआरटी के पांचवें चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस कराया था, 50 क्वेश्चन, और हमने कहा था कि रेस्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग फिर से तकरीबन 50 क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, जो एकदम नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमने आपको कहा था 100 क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 5 का, दैट मींस कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो जेनेटिक्स का 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा 50 क्वेश्चन जो पिछले मंडे को हुआ था। आज फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं क्या होता है आगे, और इसे देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आज का हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अगर आपने केमिस्ट्री का तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। अगर देख लिए तो अच्छी बात है, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी केमिस्ट्री सही हो जाए। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गुणसूत्र प्रारूप 2n+1 तथा 2n+2 ये स्थितियां कहलाती है। देखिए गुणसूत्र प्रारूप क्या है, 2n+1 तथा 2n+2 ये स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है बहुगुणता, परस बहुगुणता, एक न्यून सूत्रता, अगुण सुगुणिता, न्यू पोल आईडी। ठीक है, यहाँ आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा डी, आंसर क्या जाएगा, सॉरी डी नहीं, यहाँ जो आंसर जाएगा वो 2n+1 है ना, यानी गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, बहुगुणिता का आंसर जाएगा, डी नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम, दूसरा जीनों के मध्य दूरी तथा पुनर्संयोग का प्रतिशत प्रदर्शित करता है, यानी आप जानते होंगे जीन कहाँ होता है, गुणसूत्र पर। ठीक है, तो जीन के मध्य दूरी और पुनर्संयोग यानी रिकम्बिनेशन ये किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि दूरी अगर बढ़ेगा तो रिकम्बिनेशन का मात्रा भी बढ़ेगा। ठीक है, पति पत्नी के दूरी के बीच में अगर दूरी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि तीसरा के आने का चांस बढ़ेगा। ठीक है, यानी पुनर्संयोग संयोजन होने का चांस बढ़ जाएगा, रिकम्बिनेशन का चांस बढ़ेगा। तो इसका 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 का आंसर होगा ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें हमने गलती कर दिया, इसका आंसर डी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, यदि एक आनुवांशिक रोग एक समान दृश्य वाले दृश्य प्रारूप परंतु वाहक स्त्री से, देखिए एक नर है जो सामान्य दृश्य वाला है और मादा जो है वो कैसी है, वाहक है, इसके केवल कुछ नर संतति में स्थानांतरित होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जरा देखिए ऑटोसोमल प्रभावी अगर होगा
इसका मतलब है नर और मादा सभी में जाना चाहिए ऑटोसोम से अगर होता तो, इसका मतलब ऑटोसोम वाला तो होगा नहीं। अब बच गया लिंग संलग्न, लिंग संलग्न अगर प्रभावी होता तो नर और मादा क्या सभी में रोग ये जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि केवल कुछ नर संतति में जा रहा है, इसका मतलब ये जो रोग है ये अप्रभावी वाला होगा, ठीक है। यानी तीन का जो आंसर होगा वो डी होगा। ऑटोसोमल क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल यहाँ कुछ नर दिया हुआ है, ठीक है। ऑटोसोम से अगर होता तो नर और मादा दोनों में कोई भेदभाव नहीं रहता, सब में रोग ये ट्रांसफर होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो लंबे पौधे के मध्य संपन्न होने वाला क्रॉस के परिणाम स्वरूप बौने पौधे की संतति प्राप्त होती है। यानी दो लंबा पौधा है, ठीक है, और उससे उसके क्रॉस से जो नया पौधा बन रहा है वो नया पौधा कैसा है, बौना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, तो बौना उत्पन्न होने के लिए आप जानते होंगे स्मॉल टी स्मॉल टी का होना जरूरी है, यानी पेरेंट में स्मॉल टी निश्चित रूप से चाहिए। और स्मॉल टी आप देखिए ये पहला वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें स्मॉल टी है ही नहीं, इसमें देखिए दोनों के दोनों पेरेंट में स्मॉल टी है, इसी से बौना पौधा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आंसर हमारा बी जाएगा, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इससे कभी बौना पौधा उत्पन्न हो नहीं सकता है, रही बात इसकी तो इससे बौना पौधा उत्पन्न हो सकता है, स्मॉल टी इधर भी है स्मॉल टी इधर भी है, ठीक है। लेकिन आप जानते होंगे ये जो पौधा होगा ये बौना है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है दो लंबे पौधे होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन छट गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक द्विशंकर क्रॉस में यदि आप 9331 का अनुपात प्राप्त करते हैं तो यह सूचक है कि 9331 ये डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट होता है, फेनोटाइपिक रेशियो है। तो इसमें चूज करना है दो जीन के युग्म विकल्पी आपस में अन्योन क्रिया कर रहे हैं, यह एक बहुजीनीय वंशागति है, यह एक बहुविकल्पता का उदाहरण है, दो जीनों के युग्म विकल्पी स्वतंत्रता पूर्वक पृथककरण कर रहे हैं, यही तो इसमें निष्कर्ष में निकल गया था, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस अगर पढ़ते होंगे तो वहां पर निष्कर्ष पढ़ाया गया था, डायहाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, ठीक है। यानी यहाँ आंसर जो जाएगा वो पांच का आंसर जाएगा डी, पांच का आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी एकल जीन से एक से अधिक प्रभाव को प्रकट करता है, एकल जीन यहां जीन लिखा हुआ है, एक से अधिक प्रभाव प्रकट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता, मल्टीपल एलील नहीं सर, मोजैक नहीं सर, वंश क्रम नहीं सर, आंसर जाएगा बहुजीनीय प्रभाव, ठीक है। प्लियोट्रॉपी, बहुप्रभावता भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, जब एक जीन एक से अधिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुप्रभावता, हमने पढ़ाया भी था, अगर आप अपने वो लेक्चर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए, पूरा चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में किसी जीन के अनेक पीढ़ियों में वंशानुगति अनुक्रम का अध्ययन वंशावली विश्लेषण, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, वंशावली विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में किसका अध्ययन होता है, तो मात्रात्मक लक्षण, मेंडेलिये लक्षण, बहुजीनीय और मातृजनक लक्षण, यहाँ पर आंसर जो है वो जाएगा बी, मेंडेलिये लक्षण। आपको लास्ट में हमने इसी चैप्टर के लास्ट में पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया था, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में जो मेंडेलियन विकार है उसी का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। यानी माता पिता से आने वाला जो संतति में विकार है वही पता चल सकता है, गुणसूत्र वाला जो विकार है उसका पता नहीं लगेगा, ठीक है। कितना संतति बीमार होगा ये भी पता नहीं चलेगा, यानी मात्रात्मक लक्षण भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में है, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीन
उनकी सापेक्ष दूरी पर निर्भर विभिन्न समूह बनाते हैं, एक संलग्न समूह बनाते हैं। अब देखिए, एक गुणसूत्र पर जितना भी जीन होगा वो सभी मिलके क्या करेगा, संलग्न समूह बनाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां स्वतंत्र अभ्यूहन है का नियम उन जीनों के लिए खरा उतरता है जो, अच्छा स्वतंत्र अभ्यूहन का केस जो है ये किस में होगा, जो असमजात गुणसूत्र पर है, किस पर है, जो असमजात गुणसूत्र पर। नाइन का जो आंसर होगा वो होगा ए, नाइन का आंसर क्या जाएगा ए। ठीक है, दो गुणसूत्र के बीच में जो जीन होगा उसी के बीच में स्वतंत्र अभ्यूहन का केस हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटों के कुछ टैक्सोन में कुछ में 17 गुणसूत्र तथा कुछ में 18 गुणसूत्र है। अब बताइए आपके 17 और 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीवधारी कौन होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, कीट में जिसमें कम गुणसूत्र है वो नर होगा और जिसमें ज्यादा गुणसूत्र है वो मादा होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो कम, पहले कम वाला का नाम दिया हुआ, इसके बाद ज्यादा वाला है, तो पहला नाम होना चाहिए नर, फिर होना चाहिए मादा। देखिए ऑप्शन में पहले है नर फिर है मादा, यहाँ पहले मादा है फिर है नर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा, सभी के सभी नर तो होगा ही नहीं, सभी के सभी मादा होगा ही नहीं। ठीक है, अगर एक जैसा गुणसूत्र होता तब सभी के सभी नर या मादा हो सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कीट के लिए जो है जिसमें कम गुणसूत्र है वो नर, जिसमें ज्यादा गुणसूत्र है वो मादा होगी। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया था गुणसूत्र के द्वारा कैसे लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यह माना जाता है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक अलग एवं स्वतंत्र होता है, यह प्रस्तावना आधारित थी। देखिए, एक संकर के F3 विधि के परिणाम पर द्विप्रयासी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण से उत्पन्न संतानों के निरीक्षण पर जो बिना मिश्रित केवल एक लक्षण दर्शाते हैं, यही आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में विप्रयासी मतलब समझे, अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या जाएगा, बी, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ F3 दिया हुआ है और F3 के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करते, F1 F2 बात करते हैं। सी वाला क्यों नहीं बात कर रहे, F1 संतानों के स्वपरागन पर, F1 का जो संतति है उसके स्वपरागन पर भी नहीं होगा, जनक पीढ़ियों के परपरागन पर, ये भी आंसर नहीं जाएगा, आंसर यहाँ क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, देखते चलेगा, सभी क्वेश्चन नया ही मिलेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडेलिय द्विसंकर संकरण की F2PD में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की संख्या कितनी होती है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, कौन सा है, डायहाइब्रिड क्रॉस, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की संख्या पूछ रहा है क्या अनुपात होगा। तो आप जानते होंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में लक्षण प्रारूप आता था 9331, यानी 4 अनुपात है, 9331 4 होगा लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप की अनुपात, जीन प्रारूप की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 9। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था ना 1:1, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 1:1, 2:4, 2:1। ठीक है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:1, 2:4, 2:1, 2:1, यानी 9 अनुपात हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए, वंशागति का नियम किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल, आंसर जाएगा ए। ठीक है, फटाफट हम कर रहे हैं, वंशागति का गुणसूत्र ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, सटन और बोवेरी ने, पहला नाम क्या किसका लेते हैं हम लोग, सटन का, इसलिए यहाँ आंसर क्या देंगे, सटन, बोवेरी यहाँ छोड़ देंगे, अगर ये दोनों नाम एक साथ होता तो उसको टिक करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों नाम अलग अलग है, सटन और बोवेरी अलग अलग कर दिया है, तो सटन को हम टिक करेंगे, बोवेरी को छोड़ देंगे। ठीक है, NCERT में आप देखिएगा ये मिल जाएगा क्वेश्चन।
दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया है? तो आप जानते होंगे, सेब पर काम नहीं किया, आम पर काम नहीं किया, आलू पर काम नहीं किया, किस पर काम किया? मटर पर। कौन सा मटर? तो उद्यान मटर, गार्डन पी पर काम किया था, ठीक है, पिजम सटाइव हम पर। चलिए अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित किया? कब प्रकाशित किया था? 1865 ईस्वी में। कब किया था? 1865 ईस्वी में, ठीक है। एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, मादा विषम युग्मता क्या है? मादा विषम युग्मता का मतलब हुआ कि मादा के द्वारा दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर नर विषम युग्मता होता तो नर के द्वारा दो विषम, दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण करना, ये जाएगा, ठीक है। जब यहाँ मादा है तो मादा वाला ही आंसर जाएगा, नर वाला तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय अर्धसूत्री अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्र की हानि या लाभ कहलाती है? ये क्या कहलाएगा? अगुण सुगुणिता, ठीक है। इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यानी गुणसूत्र की कमी भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकता है। आपने उत्परिवर्तन पढ़ा होगा, उत्परिवर्तन में ऐसा बात किया गया है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ये क्वेश्चन में का क्वेश्चन है, यहाँ पर अपवाद क्या है? सहलग्नता, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया जो है ये मेंडेलियन व्याधि है, ये क्या है? मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि नहीं है। अब गुणसूत्रीय नहीं होगा तो उपयुक्त दोनों होगा ही नहीं, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि है। क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि, ठीक है। डाउन सिंड्रोम याद है? नहीं याद है, जाके देखिए, ट्राइसोमी का केस हो जाता है इसमें, ठीक है, बाईसवां गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। अगला, मेंडल के नियमों की खोज किसने की थी? तीन साइंटिस्ट मिलकर किया था, यही तीनों तो है, कार्ल कोरेंस, सेरमैक और ह्यूगो डी वरीज, यानी आंसर जाएगा डी, आंसर क्या जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब यहां दिया हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी से सहयोग करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। संतान का लक्षण प्रारूप क्या होगा? अब देख लीजिए ना, स्मॉल टी अक्रॉस करा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इसमें बनेगा दो तरह का, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, इससे जो बना ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे जो बना वो स्मॉल टी स्मॉल टी। तब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या रहा है? 75% अप्रभावी, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ दो ही तरह का बन रहा है, यानी 50% वाला चांस हो सकता है, 50% अप्रभावी, यस सर ये तो मिल रहा है, 50% अप्रभावी यहाँ, सॉरी 25% है, ये हो ही नहीं सकता है, सभी प्रभावी ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्ति नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी जीन, अप्रभावी बोलेंगे, अप्रभावी वर्ड है, यस। आपने जीन प्रारूप लिखा होगा जिसमें लिखते हैं ना कैपिटल टी फिर लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप देखे होंगे कि कैपिटल टी जब उपस्थित होता है तो स्मॉल टी अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, तो उस स्मॉल टी को हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रभावी ना बोलेंगे, ठीक है, अरे ठीक है। ये देखिए, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटा से छोटा खंड कौन सा है? म्यूटॉन, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटॉन। फटाफट देखते चलिए, अनुवांशिकी का जनक कौन है? वाह, मेंडल साहब है, कौन है? मेंडल साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर की, अब क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? आंसर क्या जाता है? आप जानते ही होंगे, पेकाटिन अवस्था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पेकाटिन अवस्था होगा। फटाफट देखते चलिएगा, आप एक सेकंड के लिए इधर उधर नजर मत रखिए, फटाफट देखते चलिए, इनमें से कौन लिंग प्रभावित लिंग प्रजनित रोग है?
डायबिटीज नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, है क्या होगा आंसर सर? हीमोफीलिया, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रक्त समूह का किसी भी रक्त समूह के रोगी को दिया जा सकता है? अच्छा, किसको आपको देने वाला कौन है? ओ, सभी रक्त समूह वाले को चढ़ाया जा सकता है। कौन सा रक्त? ओ, इसलिए तो हम ओ को बोलते हैं सर्वदाता। सबसे ले कौन सकता है? ए बी, यह सर्वग्राही, और ओ जो है ये सर्वदाता है, आपको हमने बताया भी था। नहीं अगर पता है तो जाके सर्च भी कर सकते हैं, हमने ये पढ़ाया था मल्टीपल एलील। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जा सर जी, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिए हुए हैं, 23 जोड़ी होगा। मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ी, या इसी को 46 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 46 जोड़ी नहीं लिख देना, 46 लिखेंगे केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी असमजात क्रोमेटिड्स के बीच में। ये आंसर जाएगा 32 का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ये आंसर क्या जाएगा? विषम युग्मनजी नहीं, समयुग्मनजी तो होगा ही नहीं और प्रभावी होगा ही नहीं, एलील आंसर जाएगा 33 का एलील, 33 एलील। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर वर्ग रुधिर ओ वर्ग में, ठीक है, आप जानते होंगे मानव में चार तरह का रुधिर है, ए बी, ए बी और ओ। तो ओ के बारे में कह रहा है कि एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित, एंटीजन उपस्थित, एंटीबॉडी ए, तो ओ में एंटीजन होता ही नहीं है, ओ में एंटीजन नहीं होता है। 34 जो है उसका आंसर क्या जाएगा? ए, ठीक है। चलिए, मेंडल के प्रयोग में एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? तो युग्म विकल्पी एलील कहते हैं सर, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है सर, फटाफट बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल त्वचा वाले मवेशी को, लाल त्वचा वाले मवेशी को सफेद त्वचा वाले मवेशी से क्रॉस कराया जाता है, जिसके उपरांत F1PD में चितकबरा या रोहन त्वचा वाले संतान की उत्पत्ति होती है। यह किसको दर्शाता है? सब प्रभावता को। किसको? सब प्रभावता, को डोमिनेंस। पढ़ाया था हमने, नहीं पढ़ा है जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, या नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कीजिए, को डोमिनेंस मिल जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं, जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षण के बीच बीच क्रॉस दर्शाया जाए तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षण के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, अरे देखिए आप लोग देखते चलिए, यहाँ बुआ रे फ्रूट फ्लाई है, यहाँ क्या है? फ्रूट फ्लाई, ठीक है। पर प्रयोग कर वंशागत वंशानुगत का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? गुणसूत्रीय सिद्धांत होगा, सिद्धांत किसने दिया? तो आप जानते होंगे किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन, इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी किनको बोलते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन। और प्रयोग किस पर किया था? फ्रूट फ्लाई पर। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम क्या है? ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए केवल और केवल क्वेश्चन बात करेंगे। निम्न में से क्या हीमोफीलिया को सही रूप से परिभाषित करता है? तो हीमोफीलिया के लिए जो है अप्रभावी जीन विकार है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक्स संलग्न अप्रभावी जीन विकार, ये ज्यादा सटीक है, गुणसूत्रीय तो होगा नहीं, प्रभावी तो होगा ही नहीं, बी आंसर जाएगा। अगला देखिए, F1 दूसंकर मक्खियों के एक परीक्षण क्रॉस में पुनर्संयोगन प्रकार की संतति की तुलना में पितरक प्रकार की संतति अधिक संख्या में प्राप्त होती है, यह सूचक है, यह सूचक किसका है? दो जीन अलग अलग दो गुणसूत्रों पर स्थित है? नहीं सर,
आज सूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र पर स्थित है। नहीं सर, दो जीवन संलग्न है तथा एक ही गुणसूत्र पर स्थित है। यस सर, 40 का आंसर क्या जाएगा? सी। 40 का आंसर क्या जाएगा? सी। अब कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं। निम्न लक्षणों में से उस लक्षण का चयन कीजिए जिसे मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोग से संज्ञानता नहीं किया था। देखिए, ये तीन वाला तो है, ये जो लक्षण है इस पर मेंडल ने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, मेंडल 7 गो लक्षण पर ही ध्यान दिया था। ठीक है, वो 7 लक्षण आपके एनसीईआरटी में बॉक्स बना के दिया हुआ है, अगर विश्वास ना हो तो जाके देख लीजिएगा। उसमें ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ होगा, लेकिन ये रोम ग्रंथिल और ग्रंथि रहित ये ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इस लक्षण पर मेंडल ने काम नहीं किया था और यही हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर हमने ठीक कर दिया। और चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभावता के द्वारा मेंडल का कौन सा नियम अस्वीकृत हो जाता है? अपूर्ण प्रभावता आप जानते होंगे, ये किसका अपवाद है? प्रभावता के नियम का। किसका अपवाद है? प्रभावता के नियम का। मतलब अपूर्ण प्रभावता किसको रिजेक्ट कर रहा है? प्रभावता के नियम को। किसको? प्रभावता के नियम को रिजेक्ट करता है। तो ये रहा टोटल 42 क्वेश्चन अभी किया गया है, 50 क्वेश्चन पहले किए थे। ठीक है, लगभग 100 के करीब हो ही गया। ये चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और हम ये उम्मीद करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 जो अगले सोमवार को होगा उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। पहला, दो तरह का इसमें सीरीज लाया जाएगा। पहला जो सीरीज होगा वो बिहार बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही रहेगा। ठीक है, दूसरा जो सीरीज आएगा उसी चैप्टर का, दो भाग में हम बात कर रहे हैं। एक जो 50 क्वेश्चन का एपिसोड रहेगा वो पूछा हुआ वाला रहेगा, और दूसरा जो एपिसोड रहेगा, दूसरा जो लेक्चर होगा वो उस क्वेश्चन के लिए रहेगा जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आशा ही नहीं, हम पुनः उम्मीद कर रहे हैं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। और अभी जो कुछ समय आपने दिया होगा, आधा घंटा शायद, ये आपके लिए कुछ फायदेमंद रहा होगा। और हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।